सभी ने फेंका ईशान के सर पर जूता। हम आपको बता दें, ये है ईशान का ड्रीम सीक्वेंस। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, आज के एपिसोड में आपने देखा कि ईशान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे ये समझ में आ गया कि उसने सवी के चरित्र पर जो गंदा इल्ज़ाम लगाया था वो बेहद गलत था, उसने सवी के साथ जो किया वो गलत है। ऐसे में ईशान अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है। आप देखेंगे वो यहाँ पर शुक्ला जी जो उसके स्कूल के चपरासी हैं उनको बुलाता है, उनसे कहता है कि अगर आपने किसी के लिए ऐसी गलत बात बोल दी है और उसे माफ़ी मांगना है तो क्या करेंगे। शुक्ला जी कहते हैं मैं अपना जूता और कहूंगा आप मेरे ही सर पर मार दीजिए और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ईशान यहां पर ऐसा ही करता है, सभी को अपना जूता देता है और कहता है मुझे मारो, मुझे माफ करो, और सभी सच में उसका जूता फेंक के मारती है। हम आपको बता दें आपने इतना ही प्रोमो देखा है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ ईशान का ड्रीम सीक्वेंस है। दरवाजे पर खड़ी है सभी और यहां पर है साथ में शुक्ला जी, और अचानक से ईशान चिल्लाता है। शुक्ला जी पूछते हैं क्या हुआ। ऐसे में ईशान को 2 सेकंड में समझ में आ जाता है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा था और वो सभी को अंदर आने के लिए कहता है अपने ऑफिस में, लेकिन सभी अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि सभी को वो बात याद आ जाती है जब ईशान ने उसे कसम दी थी कि तुम मेरे केबिन में पैर भी नहीं रखोगी। यहाँ सभी सिर्फ उनसे कहती है कि आप मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए और मैं ये ईयर पूरा करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ईशान सभी से माफी तो मांगना चाहता है पर सभी ईशान को इग्नोर कर देती है।